न्यूज़ प्रेजेंट करती थी और मुझे अर्ली मॉर्निंग शो मिलता था सेवन टू एट जहाँ टीआरपी सबसे कम होती है यू नो तीस सेकेंड में आपको इतने सारे इमोशंस महसूस करने मिलते हैं जो हमारे आज तक के फिल्म मेकर्स तीन तीन घंटों की फिल्मों में बनाते थे वही इमोशंस आप तीस सेकेंड में फील कर सकते आई विश मैं जैकेट निकाल के मेरे गेंस दिखा पाता बट वी कैन सी वी कैन सी थोड़ा बहुत हाउ डिड यू लाइक पीएम नरेंद्र मोदीज क्विक एंड इज इम्प्रॉम ह्यूमर एट दी अवार्ड्स द फर्स्ट थिंग सेड थोड़ी वाइप चेक हो जाएक वॉट लाइक व्हाट? टू एम वी पी ऑफ द इंटरनेट ऑन माइगव माइगव का लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज जहां हम बातचीत कर रहे हैं क्वाइट लिटरली विथ हिस्ट्री मेकर <laughs> जी हां आठ मार्च को भारत देश में एज अ मैटर फैक्ट दुनिया का पहला नेशनल अवार्ड फॉर कॉन्टेंट क्रिएटर्स जिनके अवार्डीज के साथ हम बातचीत कर रहे हैं इस पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन एब्सोल्यूटली वॉट सो एवर द पॉडकास्टर बिकम्स द पॉडकास्टी आज हम बात करें हैं विथ विनर ऑफ द बेस्ट ट्रेवल क्रिएटर अवॉर्ड कामिया जानी कामयाब वेलकम टू माई गव थैंक यू सो मच इतना बढ़िया सा आपने इंट्रोडक्शन दिया है आई थिंक एथ मार्च के बाद हम कॉन्टेंट क्रिएटर्स को बड़ी इज्जत मिल रही है उससे पहले भी थी बट वेरी ट्रू उसके बाद तो और भी ज्यादा बिल्कुल सबसे पहले मैसिव कंग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द अवार्ड थैंक यू कम्प्लीटली डिजर्विंग थैंक यू सो मच बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी आई थिंक द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड इज मेरी मॉम हमेशा बोलते थे कि मैं uh, मुझे और हमारे प्रधानमंत्री को एक ही फ्रेम में देखना चाहते हैं तो उनका ये ख्याल था कि मैं कभी उन्हें इंटरव्यू करूंगी जैसे आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं पर उन्होंने नहीं सोचा था इस तरह से हम एक ही फ्रेम में होंगे जहां वो मुझे अवार्ड दे रहे हैं सो इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट वो मुझे एयरपोर्ट पर करने आए एंड शी वाज़ सो हैप्पी एंड सो इमोशनल आई थिंक उन्हें देखकर और उनकी फीलिंग आई एक्सट्रीमली इमोशनल। सो एक बहुत ही गर्व महसूस हुआ pride, happiness, happiness. जो सारी मेहनत हम कर रहे थे वो ऐसा लगता है कि उसका जो फल मीठा होता है दैट्स वॉट इट टेस्ट लाइक फल मीठा तो डेफिनेटली <laughs> था सबके फैंस सब के, के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में आप नॉमिनेटेड हुई आपने अटेंड किया फिर आपका नाम अनाउंस हुआ आप स्टेज पर आए पीएम एक्चुअली हमने इतना सोचा नहीं था कि यू नो द प्राइम मिनिस्टर वुड गिव मच टाइम कि वो हमसे इतना बात करेंगे मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात से हुई कि जितने भी अवॉर्डिस थे उन्हें हम सबके बारे में पता था तो वो ऑफ कोर्स बहुत या तो रिसर्च कर कर आए थे या और ये बहुत खुशी की बात होगी अगर वो हमें एक्चुअली फॉलो करते हैं सो वाज वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो इतनी देर हमसे बात करेंगे तो हमने एटलीस्ट uh, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की थी कि मैं क्या बोलूँगी क्या मैंने सोचा था बस एक अवार्ड लेंगे और वहाँ से चले जाएँगे पर ऑफकोर्स बहुत सारे मन में ख्याल आ रहे थे कि मैं ऐसा बोलूँगी या मैं ऐसा करूँगी अगर मैं जीती तो यू नो मेटली यू सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड मैनिफेस्ट एंड होप एंड प्रे कि आप जीतेंगे पर जब मैं स्टेज पर गई मैं सारा कुछ भूल गई बिकॉज आई वॉज जस्ट इन ओ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम द काइंड ऑफ एनर्जी दैट विद ही स्पीक्स जो उनके आस पास एक है, um, और है एंड ऑल ऑफ दैट और मैं एक ट्रैवल कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ और सचमुच मेरे मन में यही ख्याल आया और मैं उन्हें फॉलो करती हूँ और मैं उनका ट्रैवल कॉन्टेंट देखती हूँ जब वो कुछ कहते हैं वो सचमुच ट्रेंड बन जाता है एंड दैट्स वॉट हैपेंड वेन आई मेट हेम आई सेट अच्छा मैं द्वारका जाऊँ या लक्षद्वीप सो दैट वॉज द क्वेश्चन दैट आई आज बट द होल फीलिंग आई वुड से इंटायर इवेंट पुट टुगेदर बाय माई गॉव बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एक अच्छा इनिशिएटिव था uh, सिर्फ अवॉर्डिज़ के लिए नहीं मुझे लगता है नॉमिनेट होना या बस भारत मंडपम तक पहुंचना हम सब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी और प्रेस्टिजियस बात थी और वही हुआ सो द होल प्रोसेस वी रियली एन्जॉयड और बहुत खुशी है कि मैं उस दिन का ये हिस्सा बन सकी ऑन मार्च एट्थ इट वॉज अमेजिंग

कि उन्हें सारे अवॉर्डीज के बारे में पर्सनली पता था मैक्रो से लेके नैनो क्रिएटर से लेके एवरीबडी ही इंडिविजुअली न्यू देम देयर कॉन्टेंट देयर डिटेल्स एब्सोल्यूटली तो वही बात से मैं भी बहुत हैरान थी आ, उन्होंने बताया जैसे मेरे अपने कंटेंट में मेरा एक शो है आई लव माय इंडिया जिसमें मैं भारत के कई सारे मंदिरों के बारे में बताती हूँ जो अभी रीडेवलप हुए हैं जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है मंदिरों का एंड ऑफकोर्स इंडिया इतना रिच है इन टर्म्स ऑफ इट्स कल्चर और हेरिटेज मुझे लगता है आज के ज़माने में थ्रू कॉन्टेंट क्रिएटर्स केदारनाथ जाना बद्रीनाथ जाना वैष्णो देवी माता जाना जो किसी ज़माने में बोरिंग माना जाता था आज कूल हो चुका है यू नो कि धर्मस्थान जाना यूथ को पसंद है वो जानना चाहते हैं इसके बारे में दैट इज़ अ बिग चेंज राइट और अगर ये इतना बदलाव हमारे देश में आ रहा है एंड इफ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लिटिल बिकॉज मैं भी बताना चाहती हूँ मेरे उम्र के लोगों को या मुझसे छोटे लोगों को कि किस तरह से यू नो हमारा इतना खूबसूरत रिच हिस्ट्री रहा है जस्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिया बींग द स्परिचुअल कैपिटल जो स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पर सो ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स कॉन्टेंट के थ्रू बताना चाहती हूँ एंड आई एम ग्लैड कि जब मैं वहां गई तो उन्होंने भी इसी चीज के के बारे में बात की, के बारे में में बात बात की की कि किस किस तरह तरह से से हम लोकल को बूस्ट कर सकते हैं किस तरह से हमें रश ट्रैवल नहीं करना चाहिए यू you नो know, बहुत कुछ सीखने मिला आई थिंक उस तीन तीन मिनट की में भी, मैं कुछ सीखी उनसे पॉडकास्ट भी भी के दौरान के ही है दिस इज़ सम दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मैंशन भी किया उनके स्पीच में सबसे पहले तो उनकी बातों से उन्होंने खुद कहा भी कि उनके दिल में खुद कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए कितनी इज्जत है एंड द फैक्ट दैट क्रिएटर्स के हाथों क्रिएटर्स के पास लिजिट ये ताकत है कि वो भारत के कल्चर को भारत के ये जो वास्ट डाइवर्सिटी है इतने क्वालिटीज़ है इसको दुनिया के सामने दर्शा सकते हैं और बेहतर और अच्छे तरीके से और करेक्ट तरीके से यू ऑलरेडी डू दैट अब ये सुनने के बाद, पता है इससे मुझे बस वैलिडेशन मिला कि मैं सही रास्ते जा रही हूँ uh, और कोर्स जब मैंने उनसे बातें की आई रियलाइज की जो जो चीज़ें उन्हें बताई एफ आई जस्ट ब्रेक इट डाउन इन नंबर्स तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि आपका द्वारका का एक्सपीरियंस कैसा था उन्होंने बताया वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस था जिसका ये मानना है कि अद्भुत एक्सपीरियंस हमारे देश में इतने सारे हैं यू you नो know, और वो सिर्फ धर्मस्थान तक सीमित नहीं हैं आप हमारे भारत के जंगल यू uh, नो you know, हमारे कश्मीर की खूबसूरती केरला के बैक वाटर्स देर आर यूनिक एक्सपीरियंसिस एवरीवेयर ही ऑल्सो मैंशन कि हम किस तरह से लोकल इकोनॉमी के लिए थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ही मैंशन बजट कि अपने बजट के फाइव टू सेवन परसेंट आप किस तरह से लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में कर सकते हैं वो ये कि वहाँ की कोई आप एक चीज़ ले और अपने गांव तक लेकर जाए Uh, उन्होंने बताया बद्रीनाथ के यहाँ जो हमारा सबसे पहला विलेज है माना गाँव वहाँ का जो हैंडी क्राफ्ट है अगर वो हम लें और लेकर अपने यहाँ पर जाए वहाँ की इकोनमी बूस्ट होती है हमारी कोई एक यादगार चीज़ मिल जाती है जो हमने इंडिया के सबसे पहले गाँव से ली हो uh, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हमारे हिंदुस्तान में जिसे मिला है बेस्ट टूरिज़म विलेज डोरडो नाम की एक जगह है कच्छ में है ये इट इज़ सो रिच मतलब वहाँ का जो कल्चर uh, हैंडी मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है पूरा और मैं अमेज़ थी कि चाहे उनके रूट्स बहुत ही यू नो उन्हें हमारे जैसे शहरों में रहने वालों जैसे लोगों की तरह एक्सपोजर तो नहीं मिला बट दर नॉलेज इज़ सो मच इतनी इन डेप्थ नॉलेज है या इतना टैलेंट है कि वो जो अपने घर बनाते हैं शीशे के घर बनाते हैं या जो अपने लहंगा चोली का जो हैंडी क्राफ्ट करते हैं या जो फर्नीचर बनाते हैं वुड का जो कार्विंग करते हैं उसके ऊपर आई बेट यहाँ के कोई बहुत यू नो टॉप क्लास इंजीनियर भी यू नो उन्हें कॉम्पिटिशन दे सके आई थिंक दिज आर फ्यू थिंग्स दैट आई लर्न ड्यूरिंग माई कॉन्वर्जेसन तो वही मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी जो जगहें उन्होंने बताई आदि कैलाश जिसे लोग कैलाश मानसरोवर से यू नो मिसअंडरस्टैंड करते हैं पर वो एक अलग जगह है ये एक अलग जगह है और uh, वहाँ पर भी यू नो मे टू अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू गो तो बहुत सारी कंटेंट आइडियाज मिली है और मैं वही जगहों पर जाऊँगी एंड यस आई गॉट टू नो जैसे मैंने बताया कि मैं सही रास्ते जा रही हूँ और एक स्टैंप मिल गया इस बात का बिल्कुल सुपर एक्साइटेड टू वॉच ऑल ऑफ दिस न्यू कॉन्टेंट आपके कॉन्टेंट की बात हो रही है आपके फैंस जो आपसे इतना प्यार करते हैं अ लॉट ऑफ देम नो अबाउट इट लेकिन फिर भी हम आप चाहो तो छोटे में या विस्तार में आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कैसे हुई वाओ wow, इंटरेस्टिंग uh, मैं एक्चुअली बताऊं तो जर्नलिस्ट पुराने ज़माने के कंटेंट क्रिएटर्स करेक्ट राइट और मैं जर्नलिस्ट की स्टूडेंट जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ मैं जर्नलिस्ट रही हूँ uh, मैंने मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया स्पेशलाइज़ किया जर्नलिज्म में और uh, मुझे लगता था कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है और वही दिशा लेकर मैं चलती रही तो मैंने एक राइटर का जॉब किया एट सी एन पी सी उसके बाद मुझे एक शो प्रोड्यूसर का जॉब मिला एट ब्लूमबर्ग यू टी वी और उसके बाद मुझे ई टी नाव में फाइनली न्यू न्यूज़ प्रेजेंटर का रोल मिला विच वॉज मोर अबाउट बिजनेस न्यूज़ तो स्टॉक मार्केट के बारे में पर्सनल फाइनेंस के बारे में उन सब यू नो समाचार के बारे में मैं न्यूज़ प्रेजेंट करती थी और मुझे अर्ली मॉर्निंग शो मिलता था सेवन टू एट जहाँ टी आर पी सबसे कम होती है बट कोई बात नहीं इट इज़ ए द अपॉर्चुनिटी मैं बहुत खुश थी इस बात से कि फाइनली और ये भी मुझे एटलीस्ट पाँच से छः साल के बाद न्यू uh, स्पेस में रहने के बाद ये मौका मिला और धीरे धीरे अफकोर्स मेरे काम को सराहाया गया फिर मैं प्राइम टाइम में भी आ गई ट्वेल्व टू वन और uh, पूरे हफ्ते में ये शो करने के बाद एक छोटा सा सेगमेंट होता था एवरी फ्राइडे जिसका नाम था वीकेंड मंत्रा जहाँ होता था फूड और ट्रैवल के बारे में जो नए रेस्टोरेंट्स आए हैं nice. या जो नए एक्सपीरियंसेस शहर में हो रहे हैं मुंबई दिल्ली बैंगलोर तो मैं उन्हें टैप करके बिल्कुल पंद्रह मिनट का ये बुलेटिन होता था बट आई वुड बी मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट फिफ्टीन मिनट्स बुलेटिन तो मैं दिन में तीन घंटे ऑन एयर रहती थी पर जो वो पंद्रह मिनट होते थे पूरे हफ्ते में वो मुझे ज्यादा एक्साइट करते Correct. थे तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ एंड दैट्स इट क्लिक टू मी दैट मे बी यू नो दिस इज़ आई एम मोस्ट पैशनेट अबाउट एंड फिर मैंने सोचा मुझे टेलीविजन का इतना एक्सपीरियंस है लेट मी ट्राई मेकिंग विडियोज पर आप तो देखते हैं आप न्यूज़ चैनल से हैं दूरदर्शन से है, आपको पता है कितना बड़ा सेटअप होता है कैमराज चाहिए लाइट्स चाहिए माइक्स चाहिए exactly. एक बड़ी सी टीम चाहिए पर यह सब मेरे पास था नहीं Uh, मैंने सोचा मेरे पास मोबाइल फ़ोन है मैं मोबाइल फ़ोन पर वीडियोस बनाती हूँ और मैं एक एक मिनट के वीडियोस बनाने लगी जो भी नया रेस्टोरेंट आता था या कोई मैं नए टेंपल में जाती या कोई नई जगह उस पर मैं वीडियोस बनाने लगी मैंने फेसबुक पर डाला और कम से कम छः से सात महीने तक मुझे बहुत ही कम लाइक्स आते थे मेरी मॉम और मेरे फादर इन लॉ ये दो ज़रूर लाइक करते थे मेरे <laughs> कमेंट मेरे कंटेंट को पर उसके अलावा शायद ज़्यादा नहीं मिलते थे मुझे बट आई कैप्ट गोइंग फिर अचानक से एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जहाँ मैंने किया लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में mm -hmm. बड़ोडा में है जो मैंने कहा ये बखिंगम पैलेस से फोर टाइम्स बड़ा है पर तब भी हम बखिंगम पैलेस जाते हैं पर हमारे ही पैलेस में नहीं जाते हैं जो उससे इतना ज्यादा बड़ा है उस वीडियो को बहुत शेयर्स लाइक्स कमेंट्स मिले यू राइट हिस्ट्री करती है एक एंटरटेनमेंट और दूसरा एजुकेशन रिगार्डिंग ट्रेवल सो दैट रूली टू वॉच थैंक यूक यू सो मच आपके कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी जब शुरू हुई थी जब आपने जैसे आपने कहा फोन पे एक मिनट के वीडियोज अकेले बनाना उनको एडिट करना अपलोड करना तब आपने वल्डेस्ट ड्रीम्स में भी कभी ऐसा सोचा था कि इन अ फ्यू इयर्स टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोना ऑर्गेनाइज अ नेशनल अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स जिसके पहले में ही मैं जीतूंगी भी समथिंग लाइक दिस इट सीम्स अन रियल टू बी ऑनेस्ट विद यू क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो एक ऐसा वेव आया जहाँ हर कोई कॉन्टेंट क्रिएटर बन रहा है राइट आई थिंक इवन टूडे बोला जाता है एंड आई एम नॉट श्योर यू कैन करेक्ट मी इफ एम रॉन्ग बट भारत में आठ करोड़ कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं रियली या इट द लास्ट नंबर दैट आई हर्ड उस दिन आपने देखा डेढ़ लाख तो नॉमिनेशन आए थे भारत मंडपम में तीन हजार लोग थे उनमें से सिर्फ बीस लोगों को ये अवार्ड मिला है भारत सरकार ने कॉन्टेंट क्रिएटर्स को सराहा सम्मानित किया एक नेशनल अवार्ड के साथ सो so, ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है हाउ डज दैट मेक यू फील एज अ क्रिएटर यू नो यू सेड इट राइट और मुझे भी याद है एक ऐसा मुझे जुनून सा आया हुआ था व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड कि मैं फैमिली वेकेशन पर भी जब भी जाती तो अपना कैमरा मैं जरूर लेकर जाती और मैं हर जगह अपने फोटोज या वीडियोस लेती अफकोर्स मेरी फैमिली बहुत इरिटेट होती मुझसे कि हर जगह तुम्हें बस वीडियोस लेने हैं फोटोज लेने तुम जगह को एंजॉय करो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज को डॉक्यूमेंट करूँ hmm. एक ऐसा शौक था कि मैं सोचती थी ये तो नहीं सोचती थी कि मैं ये कंटेंट क्रिएटर बनूंगी या मुझे किसी दिन इंडियन गवर्नमेंट अवार्ड देगी बट मैं ये सोचती थी कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी जब मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी तो मैं ये सारे वीडियोज देख कर आई विल रीलिव ऑल दीज मोमेंटरीज मेमरीज और मैं हर चीज का एक छोटा सा वीडियो इतने सारे वीडियोज कौन देगा तो मैं उसको एक कंसाइज वीडियो बनाकर मैं जो इस जगह से सीखी वो मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगी मुझे इतना मज़ा आने लगा ना और मुझे आज भी ये करने में इतना मज़ा आता है कि शायद मैं इतना सोचती भी नहीं हूँ कि कौन क्या बोल रहा है मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं सचमुच बहुत पैशनेट फील करती हूँ ना सिर्फ ट्रैवल करने के लिए बट ट्रैवल के थ्रू कहानी बताने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोगों को मेरे वीडियो से कोई हेल्प मिलती है और मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को रखती हूँ एज अ टारगेट ऑडियंस कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे बिना जर्मनी जाएँ मेरे बिना केदारनाथ जाएँ या मेरे बिना सोमनाथ जाएं या किसी भी धर्म स्थान पर जाएं किसी भी शिमला जाएं घूमने जाएं उन्हें बस मेरा वीडियो देखकर उन्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए वही एक इंटेंशन से मैं बस बनाती गई कंटेंट आई जस्ट जो टेक अ मोमेंट टू टेल यू कि आपका वो इंटेंशन किस लेवल पे सक्सेसफुल होता है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस मेरी दीदी तैंतीस uh, की है

it doesn't have to be age you can be a content creator at any age bamani started acting at 40 yeah but the budding content creators hmm. age jo bhi ho budding content creators ko kitni prerna mili hogi national creators award dekh ke unhe kitni encouragement mili hogi national creators award dekh ke cause bahut zyada and i and i think sabse badi baat to ye hai मैंने बताया ना content creator बनने के लिए आपको एक full time content creator होना ज़रूरी नहीं है I mean, मैंने ये रास्ता चुना क्योंकि मैं ये कर सकती थी मैं अपने करियर के इस मोड पर आ चुकी थी अब कहीं से लोग यू नो एंड मैं आज भी ऐसा नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप नौकरी छोड़कर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करें यू अबाउट सम ऑफ द चैलेंजेस चैलेंजेस टेल दैट करेंट दूस में कुछ कुछ जो अभी भी है पाँच साल पहले जो ये जर्नी मेरी शुरू हुई है टू आज जहाँ हम हैं बहुत फर्क है इसमें एंड मैं बता सकती हूँ कि मैं रात में बस चार से पाँच घंटे सोती हूँ मैं आज भी करेक्ट तो वो जो मेरा पैशन पहले दिन का था और जो आज है उसमें बिल्कुल भी डिप नहीं आया है मैं आज भी अपने जो भी वीडियो मेरा लाइव जाता है मैं वैसे ही उसके लिए इतनी पर्टिकुलर होती हूँ जैसे ये मेरा पहला वीडियो है पैशन होना बहुत ज़रूरी है जिस चीज़ के लिए आप ये मत सोचिए कि अरे कॉमेडी वीडियोस चल रहे है तो मैं कॉमेडी वीडियो कर लेते हैं या ये चल रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ आप जिस चीज़ के बारे में सचमुच पैशनेट है आप उस चीज़ के बारे में कॉन्टेंट बनाइए उसी में आप दे पाएंगे अपना हंड्रेड परसेंट सेकेंडली आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट पैशन के बाद अगर पैशन में आपको पैसे नहीं मिल रहे हो तो वो पैशन भी अभी लगता है कि अब क्या ही True, a very realistic approach, आप आप लोग और इसके साथ साथ दोनों दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते सकते हैं हैं छोड़ना आपको नहीं पड़ेगा का ये जो भारत देश में पिछले कुछ सालों में हुआ है इसके पीछे डायरेक्ट रोल रहा है ऑफ द डिजिटल बूम इन हर हाथ में स्मार्टफोन हर घर में वाईफाई हर घर में इंटरनेट यू एज अ कंटेंट क्रिएटर हाउ मच डू यू थिंक दिस डिजिटल बूम अ रोल In the content creation boom in the country. Absolutely, I think that the uh, the years that I mentioned, you know, 2013, 14. I think ye jio ke internet सोला, 2016 में Geo के सही time पर मैंने entry की बिल्कुल. 2016 is when I also started off. You know, 30 seconds में आपको इतने सारे emotions महसूस करने मिलते हैं. जो हमारे आज तक के फिल्म मेकर्स तीन तीन घंटों की फिल्मों में बनाते थे वही इमोशंस आप तीस सेकंड में फ़ील कर सकते हैं कभी खुशी कभी हंसी कभी रोना कभी क्या तो और इतना टैलेंट है हमारे देश में एवरीबडी इज़ सो टैलेंटेड मैं सच बता रही हूँ जब ये मूवी एनिमल रिलीज़ हुई थी mm -hmm. और मैं एक दिन ऐसे ही बोर हो रही थी आई डेंट रियलाइज़ मैंने तीन घंटे फ़ोन पर टाइम स्पेंड किया है जहाँ मैं बस मीम्स देख रही थी on और ऑन द फिल्म एनिमल जो जितने भी फनी यू नो कॉन्टेंट बन रहा था बट येस दैट रियलीट इंटरनेट शिफ्ट रियली हेल्प ऑफ कॉन्टेंट क्रिएटर्स टू रीच ऑफ पीपल आपसे पूछा जाए जो डिजिटल पिछले दशक में हुआ है तो इसका श्रेय इसका क्रेडिट किसे जाना चाहिए सो so ऑफकोर्स इसका श्रेय हमारी गवर्नमेंट को जाता है बिकॉज दॉट इन द राइट डायरेक्शन एंड आई थिंक ये आई एम हैप्पी कि इस समय में हुआ जब हम कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी में थे इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता था इसके ऑफकोर्स प्रोज है कॉन्स हैं बट आई वुड से आज के जमाने में प्रोज ज्यादा है हमें भी जो, है। जो भी जानकारी चाहिए एट अ टैप बटन वी कैन सी की सारी इंफॉर्मेशन हमें इंस्टेंटली मिल जाती है काफी हद तक सिमिलर करियर ग्राफ रहा है आपका मेरा now, an anchor, मैंने भी काम किया है oh, really? फोर्ड बट आई डिट वॉन्टनल ट्रेन इनिशियल टाइम ऑफ माई वर्किंग आउटेंट क्रिएटर्स एंडियो विच मेड श्योर के मैं सही तरीके से वर्कआउट सीख सकू मेड श्योर माई फॉर्म वॉज फाइन मेड श्योर एवरीथिंग वॉज गुड माई डायट वॉज गोइंग पांच महीने हो चुके हैं आई विश मैं जैकेट निकाल के मेरे गेम्स दिखा पाता बट यू कैन सी वी कैन सी थोड़ा बहुत सो कॉन्स हर जगह हो सकते हैं बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको सीखना क्या है एंड देन यू टेक द पॉजिटिव फ्रॉम देयर एब्सोल्युटली एंड आई थिंक ट्रैवल वीडियोस के लिए ना किसी भी जगह पर आपको जाना है तो सबसे पहले आप YouTube पर जाकर देखेंगे इस जगह के बारे में माय सिस्टर डज दैट आप अपनी आइटनरीज पहले ही प्लान कर सकते हैं exactly. आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे आप पहले प्लान कर सकते हैं फैशन से यू नो फैशन वीडियोस से तो बहुत हेल्पफुल रहा है और जब हम ह्यूमर की बात करते हैं तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के क्विक विट <laughs> उनके इम्प्रम्प टू ह्यूमर के चर्चे हर जगह हो रहे हैं इट्स वायरल एवरीवेयर हाउ डिड यू लाइक पीएम नरेंद्र मोदी क्विक विट एंड इज इम्प्रोम टू ह्यूमर एट दी अवॉर्ड यून द फर्स्ट थिंग ही सेट थोड़ी वाइप चेक हो लाइक वॉट <laughs> <I'm like, what? laughs> वो वॉज अमेजिंग द वे ही कनेक्टेड यू नो हर कॉन्क्रीट से जिस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया एंड हमें एक वो पहलू देखने मिला उनका जो इसके बारे में हमें पता नहीं था यू नो इट इज़ ओके कि यू you नो know, वो भी रिलैक्स मूड में हो सकते हैं वो भी यू you नो know, मजाक कर सकते हैं एंड आई थिंक जो भी कॉन्टेंट क्रिएटर आया आई थिंक बीस से इक्कीस लोग जो हम स्टेज पर गए थे हम सब ने ही वो इन्जॉय किया और हमारे साथ ऑडियंस ने भी इन्जॉय किया सो वी हैड नो आइडिया आर प्राइम मिनिस्टर हैड सच है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर तो वो हमने डिस्कवर किया ऑन नेशनल क्रिएटर्स डे सो ट्रू सो ट्रू चलिए आपके शो पे हम डिस्कवर करते हैं ऑफ़ Movie stars and and sports people and their food habits. Answering one all-time favorite is difficult. So two, ट फूड आइटम्स या डिशेज जो बचपन से अभी तक वैलिड है फिटनेस की जर्नी शुरू करने के बाद भी वैलिड है पानी पूरी। और uh, मैं सिंधी हूँ तो मुझे uh, सिंधी कड़ी और चावल इज लाइक माई सोल फूड तो मुझे वो बहुत पसंद है पानीपुरी के तो बहुत रेडियश <laughs> है मोस्ट बॉम्बे like का पानीपुरी <laughs> कोलकाता का फुचका दिल्ली के गोलगप्पे द इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे सभी वेराइटी इतने पसंद है टेल्स की जर्नी में हमने अब एक रेस्टोरेंट भी शुरू कर दिया है जिसका नाम है इमली करली टेल्स एंड गोल तो वहां पर हमने सारे टाइप के पूरी रखे हैं लवली बिकॉज़ इज़ अबाउट द स्ट्रीट फ़ूड ऑफ़ इंडिया तो जो कुछ भी इंडिया में हर जगह मिलता है हमने uh, चलिए कोई भी पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं होता विदाउट रैपिड फायर ओके सो वी आर डू अ रैपिड फायर इजी ओके चलिए पहला सवाल न वर्ड टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एट द नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड सर गुड वार्निंग वन वर्ड टू डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंस्पीरेशन विच ही ट्रूली ट्रूली इज वन फूड अपार्ट फ्रॉम पानीपुरी एन सिंधिकारी दैट यू कैन नेवर गेट टायर्ड वीटिंग ओके टफ बट मे बी पाओभाजी नाइस आपने इतने जो डेस्टिनेशन कवर किए हैं एज

बहुत ही क्लीशे सा जवाब है पर मुझे गोवा जाकर बहुत एक सुकून महसूस होता है तो बस इसीलिए आई ऑलवेज पे गोवा मुझे भारत के जंगल्स बहुत पसंद है एक्चुअली दे आर सो ब्यूटिफुल मतलब मैं यू नो अफ्रीका में देख चुकी हूँ जंगल या अलग अलग जगहों पर बट द ब्यूटी ऑफ इंडियन जंगल्स इज़ अनमैच्ड काजीरंगा मैं रिसेंटली होकर आई बांधवगढ़ कान्हा पेंच रंथम

Uh, ये बाउंसर आई थिंक आई टेक अ मोमेंट फॉर दैट कि मैं क्या बोलूँगी उनके लिए uh, मैं बस ये बोलूँगी कि यू you नो know, मैं एक uh, ट्रैवलर हूँ एक कंटेंट क्रिएटर हूँ एक ऑन्ट्रप्रिनर हूँ uh, बट सबसे पहले मैं बदलते भारत की गवाह हूँ यू नो मैंने भारत को बदलते देखा है इन द लास्ट टेन ईयर्स और uh, मैं उन इसका श्रेय uh, प्रधानमंत्री को देना चाहूँगी जिस तरह से भारत बदला है भारतीय लोगों की सोच बदली है बिकॉज जो वो कहते हैं यू नो इट एक्चुअली बिकम्स अ ट्रेंड और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका लोगों तक विच इज़ अमेजिंग और मैं यही कहूँगी कि एज एज समबडी हु सीन द इंडिया चेंज यू नो सीन आ कंट्री चेंज थैंक यू वेरी मच ये बदलाव लाने के लिए ये पॉजिटिविटी लाने के लिए हम ऑन्टरप्रिनर्स को एक मौका देने के लिए कि एक कॉन्टेंट क्रिएटर एक ऑन्ट्रप्रिनर बन गया है अब मैंने हमारे हमने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया है कर्ली टेल्स का जो सिर्फ फूड और ट्रैवल के बारे में है तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि स्टार्टअप इको सिस्टम इतना अच्छा हो सकता है इंडिया में सो यू नो दिस द जिस तरह से बूस्ट हो रही है एवरी थिंग आई थिंक एट ऑल लेवल्स हर मेन गवर्नमेंट हो हमारे इंजीनियर्स हो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो हर चीज में बदलाव है एंड ऑफ कोर्स इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द लीडर एंड द राइट लीडर आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद सो यस थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर लवली लवली मैसेज यू प्राइमर आपके इसी मैसेज में आई आई थॉट के हम एंड करेंगे बट आई हैव टू आस्क दिस वन क्वेश्चन जब हम भारत की तरफ देखते हैं पिछले दशक में आपने खुद कितने अचीवमेंट्स और डेवलपमेंट्स की बात की 20 साल पहले स्वदेश आई थी शाहरुख खान की और तब हम जब स्पेस की बात करते थे तो नासा नाव हम स्पेस की बात करते थे डिजिटल बूम इन दंट्री द टेक बूम द स्टार्टअप इको सिस्टम द आर्मी बूम इन दंट्री वी लुक एट स्पोर्ट्स इन द कंट्री पहले की तरह सिर्फ क्रिकेट नहीं एशियन गेम्स में पिछले साल एक सौ सात मेडल वुमन इम्पावरमेंट इन दंट्री वुमेन लिटरली लीडिंग द वे फॉरवर्ड

असेंशली बिकॉज ये ट्रैवल रिलेटेड है हम मैं डेस्टिनेशन के बारे में तो बता ही रही थी पर आप किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर वो एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा होना चाहिए आप रेलवे की बात करें हमने देखा है वंदे भारत नमो भारत तो फास्टेस्ट ट्रेन बहुत जल्द हमें मिलने वाली है बुलेट ट्रेन जो आप अहमदाबाद से मुंबई सिर्फ दो घंटे में पहुंचेंगे। यू टॉक अबाउट द रोड डेवलपमेंट इतनी सारी जगहों में यू सॉ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज यू नो इन इंडिया द अंडर सी टनल दैट इज बीइंग मेड रेलवे की बात करें तो चेनाब रेल ब्रिज में वहाँ पर होके आई हूँ विच इज़ द वर्ल्ड्स हाइस्ट रेलवे ब्रिज एंड इट्स ट्रूली एन इंजीनियरिंग मावल इवन वैन आई वेंट टू मीट नमो भारत के जो स्टाफ मैं सरप्राइज तिहा देख कर इतने सारे वुमेन ट्रेन पायलट्स यू नो एंड And they're like the first ones to actually drive a high-speed rail in India. Wow. Aisa ki, you know, pehle, you know, men testing, kar liye, ab aapko but nahin, they are they are the pioneers, they are leading in. Boat rain kar. it. Exactly. And this kind of opportunity being given. And I'm sure these directives and orders are coming from the top. So that kind of trust coming in, you know, you are bound to see that change. And I feel extremely happy and proud that I'm a part of this India. And uh, you call us history makers, but we are seeing the history change in front of us, and we are going to be history tellers. Kamiya, that was such a beautiful answer and such a beautiful podcast. Kamya, with your content, with your channel, with your interviews that all the youngsters love to watch so much, you're literally an inspiration to youngsters. Thank you. Girl, <laughs> guy, both. <laughs> Koi Elections are and. There are a lot of Indians who have turned 18, maybe they're 19, maybe they're 20, and it's their first time to vote. So, if one has to ask you how important it is to vote, हाउ मच ऑफरबल एक्टिविटीज़ आपने बड़ी सारी तारीफ़ की हाउ वी आर एन इंस्परेशन ऑल कॉन्टेंट क्रिएटर्स और टू से आई थिंक ये हमें एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजिशन पर भी डालता है कि अगर हम कुछ बोलते हैं और हमें अगर लोग सीरियसली लेते हैं तो बहुत जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे लगता है कि वोट करने ज़रूर जाना चाहिए स्पेशली यू नो फर्स्ट टाइम वोटर्स यू नो यू आर एटीन प्लस आपको पता होना चाहिए कि आप यू हैव अ राइट टू वोट आप किसे सपोर्ट करते हैं ऑफ़ कोर्स आपको इसके बारे में रिसर्च खुद करना है आप यू नो देर इज़ नो इन्फ्लुएंस देर एंड आई थिंक एवरी इंडिविजुअल शुड टेक अ डिसीजन ऑन देर ओन कि उन्हें क्या लगता है अपने देश के लिए क्या बेहतर है बट द लीस्ट यू कैन डू इज आप वोट करने जरूर जाए वोट पर ना जाना शुड नॉट बी एन ऑप्शन एट ऑल लेजन जेलमेन आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताइए एंड फॉर मोर पॉडकास्ट जस्ट लाइक दिस देखते रहिए माई गव मैं आपका दोस्त कोरक रॉय विद कामिया जानी साइनिंग ऑफ